आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद के सीमांत खटीमा में लोक निर्माण विभाग के द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों को लेकर रुद्रपुर परिक्षेत्र लोक निर्माण विभाग के अधिकारी महिपाल सिंह रावत के द्वारा डिवीजन में चल रहे कार्यों को लेकर वार्ता की गई। वहीं महिपाल सिंह रावत ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो नए प्रस्ताव भेजे गए थे उनमें एक महीने के अंदर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि खटमा विधानसभा में कई सड़कों में पेच लगने का भी कार्य चल रहा है और जल्द ही और नव निर्माण कार्य भी शुरू किए जाएंगे। साथ ही महिपाल सिंह रावत के द्वारा चल रहे कार्यों का लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है। न्यूज 9 भारत के लिए चंपावत से पार्वती देवी की रिपोर्ट। खटीमा डिवीजन में तुम्हें आता रहता हूँ, कई बार मेरा इंस्पेक्शन हो चुका है। आज जो मेरा आने का मकसद था, ये इसमें हमारे जैसे अभी पैच वर्क का काम हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया, लोगों ने और काफ़ी जगह चल रहा है, मैंने इंस्पेक्शन किया है, कम से कम 8-10 रोडों पर भी लगातार काम चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे रिन्यूअल के कार्य है वो भी 10-12 रोडों पर चल रहा है। आगे जो काम होने हैं उसके लिए मैंने अपने अधिशासी अभियंता को और अपने जेई और रेई को सबको दुरुस्त कर दिया है कि आगामी दिसंबर से पहले पहले जितने हम लोगों के बॉन्ड बने हुए हैं, जितनी सेंक्शन आ चुकी है, उसके सारे काम जो है दिसंबर तक पूर्ण करें। और इसके अलावा हमारी रणनीति है कि जो इस्टीमेट हमारे शासन को जा चुके हैं उसके भी हम जो है निविदाएँ वगैरह जो है एडवांस में कर लें, ताकि जो है टाइम बर्बाद ना हो और समय पर जो कार्य प्रारंभ हो सके। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।